गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस परेड मैदान पर पालक मंत्री की टीम और जिलाधीश की टीम के बीच एक प्रदर्शनी मैच खेला गया, जिसमें सांसद बालू धानोरकर बेस्ट बैट्समैन तथा पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार मैन ऑफ द मैच बने। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड मैदान पर एक अनोखा प्रदर्शनी क्रिकेट मैच खेला गया। यह क्रिकेट मैच सिटीजन 11 एवं कलेक्टर 11 के बीच खेला गया। सिटीजन 11 के कप्तान पालक मंत्री नामदार विजय वडेट्टीवार थे और वहीं कलेक्टर 11 के कप्तान जिलाधिकारी डॉक्टर कुमार खेमनार थे। पालक मंत्री की टीम में सांसद सुरेश धानोरकर, विधायक किशोर जोरगेवार के साथ कुछ प्रतिष्ठित नागरिक सहभागी हुए और वहीं कलेक्टर 11 की टीम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। परेड मैदान पर टेनिस बॉल से यह मैच खेला गया। पालक मंत्री की टीम ने 1 रन से यह मैच जीता। इस मैच में प्रशासन तथा राजनीतिज्ञों के बीच एक अनोखा मैच देखने का मौका वहां पर मौजूद लोगों को मिला। अंत में विजेता उपविजेताओं को रेड्डी मैडम, खैरे मैडम के हाथों पुरस्कार दिया गया, जिसमें पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार को मैन ऑफ मैच तथा सांसद बाड़ू धानोरकर को बेस्ट बैट्समैन और वहीं विनोद दत्तात्रेय को बेस्ट बॉलर का खिताब दिया गया। पुरस्कार वितरण के दौरान मान्यवरों ने अपने मनोगत व्यक्त किए। मैं तो खुद पहली बार खेला हूँ। और हमको पता है कि उन्हें बोल दिया भी कि प्रशासकीय यंत्रणा हमारे साथ में है। अच्छा, यानी कोई तो भी माध्यम से सपोर्ट हुआ है। इलेक्शन में एक ही रहता कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा बैलेट के वोटिंग आते वो चुन के आता। ये व्हाइट बॉल के माध्यम से सबसे ज्यादा हमको बैलेट वोटिंग आ गई, इसके कारण हम जीत गए। अरे क्या बात, आम्ही पुन्हा येणार असं म्हणणार नाही, आम्ही पुन्हा जिंकणार असं म्हणतो। आणि आम्ही बोललो जिंकणार, आम्ही जिंकून दाखवलं, आम्ही करून दाखवलं। आणि यामध्ये जिल्हाधिकारी यांची टीम, प्रशासनाची टीम उत्तम खेळली, त्यापेक्षा आमचे बॉलर बॅट्समन उत्तम आणि फिल्डिंग, विशेष करून एकही बाल धरला नाही पण फिल्डिंग उत्तम होते। आणि हा रन बॅटने न काढता, धावून न काढता, आणि धावून न काढता, बॅटने न काढता, धावून न काढता सगळे चौके मारले आणि उर्वरित रन आम्हाला व्हाईट बॉलच्या रूपाने, नो बॉलच्या रूपाने मिळाले, त्यामुळे आमचा विजय शक्य झाला। याबद्दल खऱ्या अर्थाने थोडासा वाटा हा नो बॉलचा आहे, व्हाईट बॉलचा आहे, एम्पायरचा सुद्धा थोडासा वाटा, आणि एसपी साहेबांनी सुद्धा सहकार्य केलं। मागे टिपिंग करत असताना अनेक बाल त्यांनी सोडले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र पूर्ण प्रयत्न केले। एसपी साहेबांनी बाल सोडल्यामुळे म्हणजे या टीम मध्ये प्रशासनाच्या उत्तम ताळमेळ नव्हता, पण आमच्या टीम मध्ये ताळमेळ होता। आणि एकूण गंमत आली, मजा आली, खूप छान खेळ दोघांनी खेळला आणि जिंकलो। त्याला जिंकणाऱ्या शुभेच्छा, पुढच्या वेळेस प्रशासनाने पुन्हा असेच प्रयत्न करावे आणि आम्हाला मॅच जिंकून देण्यासाठी सहकार्य करत जावं। धन्यवाद। इस उत्कृष्ट क्रिकेट मैच का शानदार समालोचन अपने अनोखे अंदाज में उपमहापौर अंजलि घोटेकर तथा चंद्रपुर जिले के मशहूर निवेदक एजाज भाई ने किया। प्रस्तुत है इस आकर्षक मैच की कुछ यादगार झलकियां सिटी न्यूज प्रतिनिधि शैलेश गर्ग की नजर से। सामना करेगा विनोद दत्तात्रेय जी का। तभी बोला बहुत टाइम ले रहे थे, मालक मंत्री बोल रहे जरूर नहीं थी होंगी। 17 फील्डर है, 17 अरे बाबू कितना प्यार। गुड शॉट, गुड शॉट। और ये कट किया, प्लीज बाजू में हो जाइए जरा, पीछे में बैठे, रेड बैठे, कॉम्बैट डिफेंस, डिफेंस क्या होगा, क्या रात है भी, बहुत शानदार।
चेयरमैन के रूप में आप क्या कहेंगे इस मैच के बारे में, जो कि उन पंजाब ऑफिसर से इलेवन ने बनाया उसको चेंज करना है सिटी धन इलेवन, क्या कहेंगे आप? और हमारे सौभाग्य के लाभ साक्षात बड़े हुआ होगा अंजलि, आपके मैच के बारे में क्या कहूँ? बहुत ही उम्दा मैच यहाँ पे चल रहा है और हैदर भाई काफी बहुत अच्छे भाई, आप पूर्व महापौर मंडली से उम्दा साहब में आ चुके हैं कमेंट्री में और बहुत अच्छे माननीय पालक मंत्री जी और माननीय हमारे सांसद महोदय के लिए पहला गेम है जो रन बड़ा रन बड़ा कर रहे हैं, ये पहला मैच है जी 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 जी। एक बार फिर क्या बात है, आपने क्या छोड़ा मैच छोड़ा? किशोर भाऊ भी हमारे प्यारे धन्यवाद, और किशोर भाऊ और कुछ आगे जाते हैं और ये कमेंट्री करा क्या बात है डेड बॉल अरे यार।